हेलो एवरीवन, तो बात यहाँ तक हो गई थी कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है, फिर उसके बाद उसका विरोध होता है, फिर नेहरू रिपोर्ट बनती है। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की मांग की गई है। फिर उसके बाद 29 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस IIL करके एक पार्टी बनाते हैं। यहाँ तक हो गया था। फिर उसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में 1921 में कौन अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना जो हसरत मोहानी थे, उन्होंने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। किसने? हसरत मोहानी जी ने अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में कहा ऐसा। तो 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां आए। कौन चुना गया था? CR दास, लेकिन वो जेल में थे तो उस समय आ गए हकीम अजमल खान। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1928 में हुआ था, में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह एक वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर लें और या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करें। ठीक है, ये कलकत्ता अधिवेशन की बात है। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर ना मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की निजी की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ज़रूर एक बार एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो 1929 लाहौर अधिवेशन, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। ठीक है, लाहौर रावी नदी। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि 26 जनवरी ही क्यों मनाया जाता है, 26 जनवरी ही क्यों? तो ये उसका आंसर ये है। ठीक है कि ये 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में, ठीक है, मनाए जाने की बात की गई। और इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि एक सेकंड, आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है, पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में यह स्पष्ट किया गया कि गोल में सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, फाइनली समझ में आ गया। मतलब फाइनली क्या है, ये तो 1929 की ही बात है, लेकिन फिर भी उन्होंने मान लिया कि इससे कोई लाभ नहीं है। दूसरा ये था कि नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य की दर्जे की योजना समाप्त की जाती है, ये भी अच्छा हुआ। थर्ड था कि शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, ये सबसे अच्छी बात थी कि क्या मतलब है हम जो कह रहे हैं उसका। और चौथी बात थी कि अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी, ये चार बातें थी। तो अब इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो हसरत मोहानी जी थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाता है, हमने देख लिया है। कौन थे इनकी जगह पे, मतलब इनकी जगह क्या, CR दास जो CR दास थे उनकी जगह पे ये आए थे। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो ये हो गया हसरत मोहानी। क्वेश्चन थर्ड, कांग्रेस ने
कब पहली बार भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929, अभी हमने देख लिया। क्वेश्चन 4, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? पूर्ण स्वराज दिवस। ऑप्शन डी, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था, ठीक है, 1929 है, रिपीटेड है, और 26 जनवरी 1930 है पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार लेकिन पूछे गए हैं ये सारे सवाल कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन में, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू होंगे ऑप्शन। क्वेश्चन 9, 31 दिसंबर 1929 मध्य रात्रि, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, रिपीटेड है। फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, तिरंगा जो फहराया गया था 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन बी। 11वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन 1929। क्वेश्चन 12, आप पूछा है कि 1929 क्यों फेमस है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया था, ऑप्शन वन, ठीक। 12वां क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 19, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि कहाँ किया गया था, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसने कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, अधिवेशन पूछ रहा है, लाहौर अधिवेशन था। क्वेश्चन नंबर 15 रिपीटेड, क्वेश्चन नंबर 16 रिपीटेड, क्वेश्चन नंबर 17, अब पूछा है कि 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था, तो भारत की विदेश नीति की घोषणा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य पहला ही मुझे लग रहा है गलत है, नहीं और भी देख लेना चाहिए, विदेश नीति की घोषणा की गई थी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी ही गई थी, अस्पृश्यता उन्मूलन की कोई बात नहीं थी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि हमने ही सही से नहीं पढ़ा होता है ऑप्शन, इसलिए भी गलत हो जाता होने के ऑप्शन मतलब चांसेस होते हैं, इसलिए सही से देख लें। देखिए फिर से रिपीट कर ले रही हूँ क्योंकि मेरा भी गलत हुआ, ठीक है, इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि एक तो ये हो गया कि उन्होंने बोला कि गोलमेज सम्मेलन से कोई फ़ायदा नहीं है, नेहरू का दूसरा था नेहरू कमेटी में जो बोला गया था डोमिनियन स्टेट, वो भी उसको भी खारिज कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं चाहिए। फिर स्वराज का सही अर्थ बताया गया और अखिल भारतीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वाली धमकी दे दी थी, ठीक है, चार बातें थीं। और क्योंकि गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही भारतीय विदेश नीति के रूप में जाना जा सकता है, देखिए घुमा के थोड़ा सा पूछा था, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी, ठीक बात है। तो वैसे वैसे वर्ष 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि भारत की एक विदेशी नीति होनी चाहिए, ठीक है, 1921 के कांग्रेस के अधिवेशन में विदेश नीति की बात की गई थी, ये एक अलग से क्वेश्चन हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक है, शॉर्ट जितना अच्छा रहेगा ना वीडियो, मतलब जितना शॉर्ट वीडियो उतना अच्छा है ना, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये वाला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो।